दोस्तों, किसने सोचा था कि एक छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री सैंडलवुड की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड जैसी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि हॉलीवुड और टॉलीवुड जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ चुकी होगी और इंडियन सिनेमा का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन कर चुकी होगी। जी हाँ, आज 12 दिन हो चुके हैं और इन 12 दिनों में इस फिल्म ने सिर्फ बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को ही नहीं तोड़ा है बल्कि दोस्तों हॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्मों को भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश के डाहट फैन से उनकी फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 14 अप्रैल को गया था मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली। दोस्तों, इस फिल्म का एक्शन, इस फिल्म के विजुअल्स, इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सभी को हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, मात्र 100 करोड़ रुपए में इस फिल्म में आपको इतना सब कुछ देखने को मिलने वाला है जो कि बॉलीवुड अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों में नहीं दिखा पाता है। और यही वजह है दोस्तों कि केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है और इंडियन सिनेमा के साथ साथ हॉलीवुड में भी इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। और अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की तो दोस्तों रॉकिंग स्टार यश, सुपर स्टार संजय दत्त की इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ली थी तो वहीं दोस्तों हॉलीवुड में भी इस फिल्म ने कई सारी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। इस फिल्म का दोस्तों अपने पहले ही दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन था वो 54 करोड़ रुपए का रहा जो कि दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम के 53 करोड़ रुपए के कलेक्शन को भी पीछे कर चुका था। और यही वजह है दोस्तों कि केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ओपनर फिल्म साबित हो चुकी थी। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिले, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग्स दी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में रॉकिंग स्टार यश, संजय दत्त और रवीना टंडन के काम को भी काफी पसंद किया गया। अपने पहले ही हफ्ते में दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर तो 750 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी लेकिन दोस्तों हिंदी में इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 280 करोड़ रुपए के कारनामे को छू दिया था। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2000 से ज्यादा बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और टॉप 15 फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुकी थी। बाहुबली 2 और RRR जैसी बड़ी फिल्मों को हिंदी में यह फिल्म पीछे कर चुकी थी। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म बाहुबली 2 के बाद इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी थी। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म के सामने अपने पहले हफ्ते थलापति विजय की फिल्म बिस्ट भी थी लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी तमिलनाडु में इस फिल्म ने थलापति विजय की फिल्म को काफी कड़ी टक्कर दी और आज दोस्तों यह फिल्म अपने 10वें दिन, 11वें दिन और अपने 12वें दिन थलापति विजय की फिल्म से आगे निकल चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर चुका है और यह फिल्म टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसर हिंदी फिल्म बन चुकी है। और अगर बात की जाए इस फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने पहले हफ्ते में 750 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली इस फिल्म ने अपने 9वें दिन कमाए थे 40 करोड़ रुपए, अपने 10वें दिन इस फिल्म ने कमाए थे 48 करोड़ रुपए, वहीं दोस्तों अपने 11वें दिन इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और कमाए हैं 58 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 890 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था और यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी थी। बताते चले दोस्तों आपको कि अपने शुरुआती 11 दिनों के कलेक्शंस के मामले में इस फिल्म ने RRR और बाहुबली जैसी बड़ी फिल्मों को कॉम्पिटिशन दे दिया था। साथ ही साथ दोस्तों इंडियन सिनेमा की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो चुकी थी। अब अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के टोटल की तो दोस्तों आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 12वां दिन है और आज की भी इस फिल्म की जो एडवांस है वो काफी जबरदस्त रही है। सिर्फ हिंदी में ही दोस्तों यह फिल्म आज एडवांस से 4 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है और इस फिल्म का जो हिंदी में अभी तक का टोटल कलेक्शन है वो 324 करोड़ रुपए का हो चुका है। आज मॉर्निंग से दोस्तों इस फिल्म को जो शो मिले हैं वो लगभग 25% की ऑक्युपेंसी के साथ मिले हैं यानी कि दोस्तों ये फिल्म आज अपने 12वें दिन भी हिंदी में लगभग 9 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का हिंदी में जो टोटल कलेक्शन है वो 330 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज पार कर चुका होगा और यह फिल्म बॉलीवुड की सभी बड़ी फिल्मों को हिंदी में पीछे कर चुकी होगी। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म आज अपने 12वें दिन लगभग 22 से 23 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है जिससे कि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन 913 से 915 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। बताते चले दोस्तों आपको कि यह फिल्म अपने दूसरे हफ्ते तक इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ की कमाई कर चुकी होगी और बॉक्स ऑफिस पर इंडियन सिनेमा की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी होगी। इस फिल्म को दोस्तों RRR के रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए अभी भी 200 से 250 करोड़ रुपए की कमाई करनी है और जिस तरह की कमाई केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ही कर रही है यह फिल्म इंडियन सिनेमा की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी होगी क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स थे वो लगभग 450 करोड़ रुपए के प्राइस में इस फिल्म के मेकर्स ने बेचे थे। साथ ही साथ दोस्तों यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1100 से 1200 करोड़ रुपए की कमाई आसानी से करने वाली है जिससे कि इस फिल्म के मेकर्स को इस फिल्म के थ्रू लगभग 1600 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो चुकी है यानी कि दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स को इस फिल्म से नॉर्मली लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो चुका है और यह फिल्म इंडियन सिनेमा की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है। आपको दोस्तों यह फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और क्या लगता है दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 जब इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी उस फिल्म का जो कलेक्शन है वो कितना होगा हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।